हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर आपको कैसे किस तरह की सारी चीज़ें करनी होती है, सो काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WBUTTERPAP, ओके। सो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना होता है एडमिशन लेने के लिए, सो हाउ कैन यू गेट एडमिशन, वेयर यू गेट अप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू चेक योर रिजल्ट, हाउ टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट, ओके। सो क्या करने होते हैं, कैसे करने होते हैं, काफ़ी सिंपल है। अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करना है एंड वहाँ पे टाइप करना है WBUTTERPA एडमिशन 2021। जो मैंने टाइप किया वही आपको टाइप करना है और कुछ अलग सा नहीं। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, इस तरीके से करने के बाद लास्ट में यहाँ पर जरूर टाइप करें IAS पेपर। IAS पेपर क्या है, एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको WBUTTERPA के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यही टाइप करना। अब आपको क्या करना है, सर्च करना। सर्च जैसे करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट और लिंक में क्या लिखा है, यहाँ पर IAS, यही पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, आप फिर से न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो चुके हैं IAS पेपर के। अब यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही आपकी रिलीज़ कर दी जाएगा, जिस वजह से आपको एडमिशन ले पाएंगे और उसमें फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, तो एडमिशन ले पाएंगे और यहाँ पर सारी चीज़ें कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्म फिलअप करना है, जो सामने आप फॉर्म देख रहे हैं इसमें अपना नाम बताएंगे, ईमेल आईडी बताएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर आप गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करेंगे। इससे ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे WBUTTERPA के रिलेटेड, तो आप गेट फ्री काउंसलर पर जरूर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख रहे हैं, ओके। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर वेरियस कोर्सेज के लिए वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग, ओके। सो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रपोजिंग BEd, MEd, MPhil, PhD प्रोग्राम्स करता है डिफरेंस डिसिप्लिनस में, ओके। सो ये सारे प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्लानिंग, कोलकाता इज़ द अर्थ लेवल यूनिवर्सिटी दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2015 में किया गया था, और ये देख सकते हैं जो सारी चीज़ें मैंने बताया, ये सारे प्रोग्राम आपको ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम कितना परसेंटेज रहेंगे, कितना क्या रहेंगे, तभी आप उस बेसिस पे आप एडमिशंस एकेडमिक स्कोर्स आपकी कैसी है उस बेसिस पे आपको यहाँ पर चूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इम्पॉर्टेंट डेट देखना जो यहाँ पर दिख रही है आपको, तो ये डेट देखना, फिर आगे आपको वो चीज़ पे आपको करना है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा ये डेट देखना है। अब उस डेट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा, लास्ट डेट कभी उससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दी जाएगी, तो इसमें आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी और उसे सबमिट करना होगा, जो भी सारी चीज़ें चाहिए वहाँ पर। जैसे कि बीएड के लिए बोला गया, तो बीएड के लिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरीफिकेशन के लिए लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट, जब आप ये बीएड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे सर्टिफिकेट, सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, अदर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, डेपुटेशंस टू ले फिल इन द अवेलेबल एडमिशन, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से PhD का भी सेम, तो PhD का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब इंटरव्यू का टाइम रहेगा तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक रिसिप्ट ऑफ द डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर फीस, फोटो ID, फोटोकॉपी ऑफ द 3 डॉक्यूमेंट्स विद सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस लगता है, फीस यहाँ पर BEd के लिए, MEd के लिए, PhD के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ₹600 और SC ST कैटेगरी के लिए ₹350। अब नेक्स्ट है कोर्स MEd, जनरल कैटेगरी के लिए ₹750, SC ST कैटेगरी के लिए ₹450। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के फीस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, BEd और MEd के लिए यहाँ पर बताया गया है, तो एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। BEd यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, बैचलर्स ऑफ मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, सेलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन,
और यहाँ पर एमएड के लिए बताया गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि बीएड, बीएलएड, डीएलएड विद यूजी ग्रेजुएशन, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स भी चाहिए रहता है अप्लाई करने के लिए एमएड के लिए, ये एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन टेस्ट होंगे, एंड देन यू कैन सी हियर बाकी सारी चीज़ें। एम फिल पी एच डी के लिए यहाँ पर आपको बता देगा, तो इस तरीके से यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 50 सीट से मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सिलेक्शन क्रिटेरिया देख सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, आपको रिजल्ट बोला गया, रिजल्ट हैज़ बीन रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज़ के थ्रू। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। सो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होती है, रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही डिक्लेयर कर दी जाएगी, जिस वजह से आप रिज़ल्ट को चेक कर पाएंगे। और एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देख लेनी है कि यार परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, कौन से कोर्स के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, क्या क्या सारी चीज़ें चाहिए। डॉक्यूमेंट्स भी लगती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडमिशन टेस्ट होते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे एम सी क्यू 1 मार्क्स के लिए, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और 0.25% ये क्या नेगेटिव मार्क है इसके, अगर आपका रॉन्ग रहा आंसर तो ये माइनस कर दिया जाएगा। और भी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी लगेंगे, पे करना होगा कितना, 1000 रुपीज़। और यहाँ पर इस तरीके से फिर आप जो है यहाँ पर स्टूडेंट टू चूज़ देयर ओन, अब खुद का यहाँ पर जो भी है वो कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी के थ्रू। सो ये सारे प्रोसेस थे जो मैंने बताया, तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैंने सारी डाउट्स क्लियर कर दी होंगी आई होप। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भी लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो आपको क्लिक करना है, इस पर आना और आपको भी अच्छे से देखना है और पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है लगभग, तो थैंक यू। ओके सारी चीज़ें हो गई, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑफ द।